अभी बहुत जिले की राजनीति बहुत गर्म है और आज मैं भी इस खुले मंच से कहना चाहता हूं, बाबा साहब की 135वीं जयंती है। पिछले सवा चार साल से मैं भी सीने में बहुत सारी चीजों को दफना के बैठा हूं। कुछ लोग मुझे पचा नहीं पा रहे थे। मैंने पीछे सरकार को भी अवगत कराया, सरकार के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया कि कुछ लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। मैंने कहा सरकार से, लेकिन मुझे दुख है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिखित में मैंने दिया है, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है और मैं डरता नहीं हूं। हम 5 भाई हैं, 1 माँ के 1 पिता के और मैं सबसे छोटा हूं। इस बहुजन समाज के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, ये कहना चाहता हूं आपको। आखिरी दम तक लड़ूंगा, इस शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा जब तक लड़ूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जब मैं नोएडा से चलता हूं तो सर पे कफन बांध के चलता हूं, मुझे चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि भूल जाएं, एक जोगिंदर रवाना की हत्या होगी तो लाखों जोगिंदर रवाना आ जाएंगे। कहना चाहता हूं, आज नदबई का विकास पच नहीं रहा। जो डेवलपमेंट पिछले 40 साल में नहीं हुए वो 4 साल में मैंने करके दिखा दिए, पच नहीं रहा। तो आज लोग तरह तरह की बात करते हैं, अरे बाबा साहब को कैसे भूल सकता है ये देश? क्या भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। बस एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, संयम से काम लो। बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिया है, जब तो बैलट का था और अब बटन का है, उस बटन को दबा के बता देना उन लोगों को कि हम ये ताकत बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब की जो मूर्ति को आप रोकना चाहते हो, उस ताकत से हम बता देंगे जो अधिकार बाबा साहब ने दी। मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।